भानगढ़ तो मैं 7-8 बार जा चुका हूँ। हाँ, लोग घुसते हैं शौक से ये सोच के कि यार जाएंगे, भूत आराम से बैठा होगा, एक सेल्फी ले लेंगे भूतों के साथ, वापस आ जाएंगे। तो भानगढ़ जो है वो एक व्यावसायिक केंद्र से ज़्यादा, जिसकी एक कहानी बनाई गई, उसे धीरे 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 करके समाज में इंजेक्ट किया गया, फिर उसे प्रमोट किया गया, और अब वो एक अच्छी इकोनॉमी जिसे हम घोस्ट इकोनॉमी कहते हैं। आई वॉज बॉर्न इन 1899, तो 89, सो उस दौर के बच्चों के पास फोन्स वगैरह या ये सब नहीं हुआ करते थे। हम जब छोटे थे तो हमें धक्का मार के बाहर निकाल दिया जाता था, बाहर जाके खेलो, घर में परेशान मत करो किसी को। तो बाकी लोग तो कोई कबड्डी खेल रहा है, कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई गुल्ली डंडा भी खेल रहा होता था। मुझे दिलचस्पी नहीं आती थी खेल में बहुत ज़्यादा, तो वहाँ आसपास खेतों में, गांव में कहीं कोई झोपड़ी जंगल, तो मैं वहाँ चला जाता था, बस टहल रहा हूँ, घूम रहा हूँ, देख रहा हूँ। तो शौक तो पहले से था, लेकिन धीरे धीरे करके समझ में आया कि नहीं, इसमें कुछ किया जा सकता है। यहाँ से फिर ये चीज़ें शुरू हुई। हाँ, अच्छा, आपने भानगढ़ का जिक्र किया, तो आपने फर्स्ट आपका केस एज इन्वेस्टिगेटर लाइक विद डॉक्यूमेंट्री आपको बनानी थी, उस वक्त कैसा था, और दोबारा भी कभी रिविजिट किया आपने भानगढ़? नहीं, भानगढ़ तो मैं 7-8 बार जा चुका हूँ। तो अब इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद फिर आपने क्या महसूस किया पहले में और अब में, कुछ आपको? देखिए, भानगढ़ में जब मैं पहली बार गया था और जब मैं दूसरी बार गया था, पहली बार मैं गया था 2012 में, दूसरी बार मैं गया था 2014 में, इन 2 सालों के बीच में ही काफ़ी बदलाव आए थे। तो मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि मैं अपनी ज़िंदगी में हर 2-3 साल पर एक बार भानगढ़ आऊँगा। मैं देखना चाहता हूँ कि सामाजिक तौर पर उसमें कितना बदलाव आ रहा है। सामाजिक तौर पर थोड़ा समझने की कोशिश करूं। मैं वो आपको बताता हूँ, आज से 20 साल या 30 साल के बाद जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा और इस काम से रिटायर हो जाऊंगा, तब मैं भानगढ़ के ऊपर एक किताब लिखूंगा, तब मैं लोगों को कह सकता हूँ कि मैंने एक टाइम लैप्स पूरा कवर किया है भानगढ़ के ऊपर। जब मैं पहली बार गया था तब भानगढ़ एक टूटा फूटा खंडर था, एक ढंग की सड़क तक नहीं थी जो वहाँ तक जाती थी, चारों तरफ जंगल थे, पास में एक गाँव था गोला का बास जिसमें मूर्तियों का काम होता था, काफ़ी छोटा सा गाँव था, मुश्किल से 20 या 30 घर रहे होंगे। लेकिन अब वो फैल गया है, तब से लेके अब तक में उसमें काफ़ी बदलाव आया है सामाजिक तौर पर भी। सबसे पहले तो अब वहाँ पर एक प्रॉपर इकोनॉमिक फ्लो करती है, वहाँ आसपास होटल बने हुए हैं, वहाँ रिसॉर्ट्स हैं, वहाँ आप शॉपिंग कर सकते हैं, वहाँ आप खा सकते हैं तरह तरह की चीज़ें, आप भानगढ़ के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, चीज़ें खरीद सकते हैं। एक और कुछ लोगों का बिजनेस है, क्योंकि वहाँ पे बंदर बहुत ज़्यादा है, तो कुछ लोग वहाँ पे अक्सर बहुत सारे केले बेचते हैं ताकि वो बंदरों को लोग खिलाएं और पुण्य कमाएं। तो इस तरह के कई तरह के व्यवसाय जो हैं वहाँ पर धीरे धीरे अब पनप गए हैं, एक टूरिस्ट प्लेस हो गया है। तो वहाँ लोग घुसते हैं शौक से ये सोच के कि यार जाएंगे, भूत आराम से बैठा होगा, एक सेल्फी ले लेंगे भूतों के साथ, वापस आ जाएंगे। पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो तो पाता नहीं है, तो वो डिसअपॉइंटेड वापस लौटते हैं। तो भानगढ़ जो है वो एक व्यावसायिक केंद्र से ज़्यादा, जिसकी एक कहानी बनाई गई, उसे धीरे 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 करके समाज में इंजेक्ट किया गया, फिर उसे प्रमोट किया गया, और अब वो एक अच्छी इकोनॉमी जिसे हम घोस्ट इकोनॉमी कहते हैं। घोस्ट इकोनॉमी जो है वो फॉरेन कंट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, इंडिया में आने में वक्त लग गया लेकिन अब आ चुकी है, अब घोस्ट इकोनॉमी पूरी तरीके से अपने पैर पसार चुकी है। तो सामाजिक तौर पर भी काफ़ी बदलाव आया भानगढ़ में। पहले वहाँ के लोग बड़े स्वीट हुआ करते थे, आप जाएंगे तो आप, जब मैं पहली बार गया था मुझे तो फ्री में रखा था और खाना भी खिलाया था। अच्छा, अब वहाँ के लोग सिर्फ पैसों पे बात करते हैं, लाइक कमर्शलाइज हो गए बहुत ज़्यादा। अब अगर लोगों को पता है कि लोग यहाँ भूत देखने आते हैं, अब आप वहाँ पर कहानीकारों को सुन सकते हैं, कुछ कहानीकार बैठे रहते हैं जिनका काम ही है, वो 500 रुपये लेंगे, वो आपको भानगढ़ की पूरी एक कहानी बताएंगे कि वहाँ पर कितने भूत हैं। वहाँ के आसपास के होटल वाले भी खुलकर बोलते हैं कि यहाँ भूत है। आप किसी रैंडम गांव वाले से पूछ लीजिए कि ये सब झूठ है, कोई नहीं बोलेगा। तो भानगढ़ तो अब एक खैर व्यावसायिक केंद्र है, तो मैं उसे वैसे ही लूंगा, और धीरे धीरे जो बदलाव आए। आपने फिर अपनी इन्वेस्टिगेशन में क्या पाया, भूत है कि नहीं? देखिए, मुझे तो कुछ नहीं मिला। मैंने तो भानगढ़ में कई दिन गुजारे हैं, कुछ रातें भी गुजारी हैं, कई बार परमिशंस लेकर के, कई बार बिना परमिशंस के, बट अक्सर लोग वापस स्नीक इन कर लेते हैं, दैट्स हार्डली अ फैक्ट। बट मुझे तो आज तक कुछ मिला नहीं, सिवाय कुछ बंदरों के, 2-4 जानवर और, 2-4 और जानवरों की आवाज़ें आ गई, लेकिन आई डिडंट फाइंड इट। कुछ भी ऐसा कोई और आपको? नहीं, मुझे तो कोई भूत भूत नहीं मिला, मुझे तो कोई भूत भूत नहीं मिला वहाँ पर।